सब्सक्राइब करें जुम्मा किचन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुम्मा किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मटन स्टू। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। और आज जो हम रेसिपी ये बना रहे हैं तो हम ये रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं, जिस तरह का मटन स्टू हमें बाज़ार में मिलता है या फिर हम अक्सर रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो आप इसमें, मैं तो मटन में बना रही हूँ, आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं। रेसिपी बहुत ही आसान है। तो आइए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो एक किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मेरे पास गोश्त है, ये बकरे का गोश्त है। मैंने इसको अच्छे से धो के छलनी में डाल दिया था, अब इसका पानी नहीं चढ़ चुका है। तो इसमें मैंने ली है एक किलो से थोड़ी सी कम प्याज। और ये इस स्टू के अंदर मेन इंग्रेडिएंट इसका प्याज ही होता है, क्योंकि इसकी जो ग्रेवी है वो प्याज से ही बनती है और काफ़ी ज़्यादा इसमें प्याज जाती है। तो मैंने तकरीबन एक किलो ही ली है, एक किलो से बस थोड़ी सी कम है। आप अपनी पसंद से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जो रेस्टोरेंट का स्टू होता है उसकी ग्रेवी थोड़ी फाइन होती है, इसलिए मैंने इसको भी बारीक चॉप कर लिया है, लेकिन आप इसको स्लाइस में भी काट सकते हैं। मैंने चॉपर में इसको चॉप कर लिया है। थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया जाएगा इसमें। आधा किलो मैंने दही ली है और ये एक टेबल स्पून साबुत धनिया लेके मैंने इसको दरदरा सा कूट लिया है, बहुत बारीक नहीं किया है। ये भी स्टू की एक खास जो इंग्रेडिएंट है। खड़े गरम मसालों में मैंने ली है 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, तो ये इसके अंदर ज़रूर जाती है। 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 काली इलायची, 6 हरी इलायची और 7 से 8 लौंगें। और उसके अलावा इसके अंदर पिसी हुई मिर्चें नहीं जाती हैं, इसमें साबुत लाल मिर्चें और हरी मिर्चें जाती हैं। तो तकरीबन 8 से 10 मैंने साबुत लाल मिर्चें लेके इनको मोटा मोटा काट लिया है और 6 से 7 हरी मिर्चें लेके मैंने इनको भी काट लिया है। ये बहुत ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, इसलिए ये मैंने ज़्यादा ली हैं। अगर आपकी तीखी हैं तो आप उनकी क्वांटिटी अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टीस्पून मैंने लिया है नमक, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर। कुछ लोग स्टू में हल्दी डालते हैं, कुछ नहीं डालते हैं, मैं डालती हूँ। इससे इसका अच्छा सा कलर, गोल्डन कलर आता है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है बारीक कटा लहसुन, ये देख लीजिए, और 1.5 से 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लेके मैंने इसको इस तरह से लंबाई में काट लिया है। आप चाहें तो बारीक चॉप भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम अपना मटन स्टू बनाना शुरू करते हैं। स्टू क्योंकि मटन जो है थोड़ा देर में गलता है, इसलिए मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। आप चाहें तो कुकिंग पॉट में भी बना सकते हैं। और इसके अंदर मैंने 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया है, गोश्त चिकना है इसलिए मैंने ऑयल कम लिया है। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं डाल देती हूँ खड़े गरम मसाले और इनको कुछ सेकंड में पकने देती हूँ ताकि इनका फ्लेवर जो है वो ऑयल में आ जाए। डाल देते हैं इसके अंदर प्याज, को हमें इतना पकाना है कि प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो जाए। ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ गुलाबीपन लाना है। तो बस इसको मीडियम फ्लेम पर मैं पका लेती हूँ। तो देखिए हमारे प्याज का कलर चेंज हो गया है, ये गुलाबी हो गई है। तो बस अब हम इसके अंदर डाल देते हैं मटन। थोड़ी देर ऐसे ही भून लेते हैं, फ्लेम मेरी अभी भी मीडियम ही है। गोश्त भून गया है, अब हम डाल देते हैं इसके अंदर बारीक कटा लहसुन, अदरक, कुटा हुआ धनिया, नमक, हल्दी और ये मिर्चें, हरी मिर्च और सूखी लाल मिर्च। थोड़ा सा हम इसको भी मिक्स कर लेते हैं। मसाला हमारा लगने लगा है, इसलिए इसमें 2 टेबलस्पून में पानी डाल रही हूँ और अब इसको मैं अच्छे से भूनूंगी, क्योंकि प्याज को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया था तो अब इसमें प्याज का पानी नहीं था।
हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं दही। दही अच्छी ज़्यादा क्वांटिटी में डालिएगा क्योंकि मैं इसमें टमाटर नहीं डाल रही हूँ, और प्याज ज़्यादा है। अगर दही कम होगी तो हमारा जो सालन है वो मीठा भी हो सकता है। तो बस दही डाल देते हैं। मिक्स कर लेती हूँ। अगर आपके पास पीली मिर्च है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। स्टू के साथ पीली मिर्च बहुत अच्छी जाती है और इससे जो इसका कलर है बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला आ जाता है। हम गोश्त को थोड़ी देर भुनने देते हैं ताकि जो दही का पानी है काफ़ी ज़्यादा हो गया है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो बस इसको मैं मीडियम फ्लेम पर थोड़ा भून लेती हूँ। मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है, बस अब थोड़ा ही इसमें दही का पानी बचा हुआ है तो जब हम गोश्त गलाएंगे तो वो ड्राई हो जाएगा। और अगर आपका पानी अच्छे से सूख गया है तो फिर गोश्त गलाने के लिए आप इसमें थोड़ा पानी डाल दीजिएगा, और अगर आप कुकिंग पॉट में बना रहे हैं तो कम से कम एक गिलास पानी डालिएगा। तो बस अब मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देती हूँ और मीडियम फ्लेम पर पहले मैं एक सीटी लूँगी, फिर लो फ्लेम पर इसको 10 से 12 मिनट के लिए मैं अच्छे से गलने दूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गोश्त हमारा गल गया है। अपनी गैस को हम दोबारा ऑन कर लेते हैं और देख लेते हैं इसमें कितना पानी है या हमें इसको कितना रखना है। वैसे ये ठीक है लेकिन फिर भी मैं इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए भून लेती हूँ। और इसका कलर देख लीजिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है। तो 2 मिनट में इसको भून लेती हूँ, साथ ही मैं इसके अंदर में पहले हरा धनिया डाल देती हूँ। बिल्कुल अच्छे से भून गया है और इसमें से ऑयल भी अलग हो गया है और मटन स्टू हमारा तैयार हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका लुक आया है और बहुत ही खुशबू आ रही है। तो बस मैं अपनी गैस को बंद करती हूँ, 2 मिनट इसको कवर करके छोड़ती हूँ, फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तैयार है हमारा मटन स्टू रेस्टोरेंट स्टाइल। कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है, बिल्कुल आपको जब ये खाएंगे तो इंशाल्लाह इस तरह का टेस्ट आएगा जिस तरह से आप रेस्टोरेंट में मंगाते हैं। तो आप इसको नान के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए या फिर तंदूरी के साथ खाइए, बहुत ही ज़बरदस्त ये आपको लगेगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।